हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ाद है। मैं आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करवा रहा हूँ एक्सट्रीम कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर। हमारा जो कोर्स चल रहा था उसका नाम था ग्राफिक डिज़ाइन फ्रॉम बेसिक टू प्रोफेशन। उसकी आज पांचवी क्लास है, अर्निंग मनी फ्रॉम ऑनलाइन पोर्टल। यानी कि इसका सिंपल वर्ड में बोले तो अब तक के जितने भी सर्विस आपने सीखी डिज़ाइन से रिलेटेड, उसको कैश आउट कैसे किया जा सकता है ऑनलाइन पोर्टल पे, वेबसाइट के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू। तो उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे, सीखेंगे। तो इस अर्निंग के टॉपिक के अंदर मैंने तीन कैटेगरीज बनाई हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग वेबसाइट से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, किस तरह की होती है, जहाँ पर आप पैसे कमा सकते हैं। सेकंड, कि आपकी सर्विस की वर्थ क्या है, कौन सी सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं जो लॉन्ग टर्म चलेगी, जो शॉर्ट टर्म चल सकती है, किसमें पैसे हैं, किसमें पैसे कम हैं, वो चीज़ सेकेंड में हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड में हम डिस्कस करेंगे कि हम लोग पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं, ऑनलाइन पोर्टफोलियो कहाँ का बन सकता है, किस तरह का पोर्टफोलियो बन सकता है। तो वो हम लोग थर्ड पॉइंट में डिस्कस करेंगे। सही है। तो पहला दो पॉइंट तो हम लोग जनरल टर्म में है, थर्ड पॉइंट हमारा बेसिकली ज्यादातर जॉब ओरिएंटेड बेस के ऊपर ही होगा। सही है, या अगर आप जॉब देना चाह रहे हैं तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वेबसाइट्स के। पहला पॉइंट जो हमारा है वेबसाइट या पोर्टल के इंट्रोडक्शन के बारे में, कि वेबसाइट्स कौन कौन सी है, पोर्टल्स कौन कौन से हैं, फिर उसके अंदर क्या क्या होती हैं, किस तरह से आप पैसे कमा सकते हैं, कहाँ किस जगह आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं अवेलेबल। तो उसकी भी मैंने तीन कैटेगरीज बनाई हैं। सही है। सबसे जो कॉमन कैटेगरी है जो कि आजकल हर बंदा कर रहा है, और आप सबको भी पता ही होगा कि आप किसी भी फ्रीलांस पोर्टल पर जाते हैं। सही है। वहाँ पे अपना अकाउंट बनाते हैं, वहां पे साइन अप मारते हैं। सही है। और वहां पे आप अपनी फ्रीलांस सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें सबसे टॉप नंबर पे जो साइट चल रही है, आपको भी पता हो शायद, फाइवर। फाइवर एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसके ऊपर आप अपना ऑनलाइन पोर्टफोलियो बना सकते हैं, काम स्टार्ट कर सकते हैं। उनके टर्म्स को मानना पड़ता है कि भाई वो जिस तरह से वो जो उनकी टर्म्स हैं, जिसके बेस के ऊपर आप अपनी चीजें बनाएंगे, और जो के रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो करना पड़ता है। नंबर वन आजकल ट्रेंडिंग में यही चल रही है, हालांकि इसको भी इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। सेकेंड नंबर पर हमारे पास अपवर्क आ जाता है। अपवर्क एक बहुत मशहूर वेबसाइट है। सही है। इसको सेकंड नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि ये इनसे पुरानी है फाइबर से, लेकिन ये फाइबर के टक्कर पे भी नहीं है, क्योंकि फाइबर के ऊपर ज्यादा लोग वो कर रहे हैं, रिलाई कर रहे हैं, और उसके ऊपर ज्यादा अकाउंट्स बन रहे हैं, और वो ज्यादा तेजी से ऊपर आ रही है। सही। अपवर्क के थोड़े रेगुलेशन ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो शायद इस वजह से भी ये सेकेंड नंबर पे है, और ये इतना ज्यादा उतना ट्रेंड नहीं कर सका जितना फाइबर कर रहा है। फाइबर पे रेट्स भी थोड़े बहुत मुनासिब हैं। तो इसके बाद तीसरे नंबर पे मेरी अपनी फेवरेट है, एक जमाने में बहुत ज्यादा हिट हुई थी जब ये आई थी, 99 डिजाइन। ये बेसिकली कॉन्टेस्ट वगैरह करवाते हैं, और इनका कॉन्टेस्ट का कॉन्सेप्ट तो बड़ा अच्छा मार्केट में लेकर आए थे। ये अच्छी वेबसाइट है, आज भी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये डिजाइन स्पेसिफिक है। पहली दो वेबसाइट के ऊपर डिजाइन के अलावा भी काम हो रहे हैं। सही। ये डिजाइन को ही कंसिडर करते हुए बनाई गई है। तो इसका जो डोमेन है एज कम्पेयर टू फाइबर और अपवर्क थोड़ा सा छोटा है ये, क्योंकि सिर्फ डिजाइन को कवर अप करता है। चौथे नंबर पे हमारे पास फ्रीलांसर आ जाते हैं। फ्रीलांसर पाकिस्तान में खोलेंगे तो freelancer.pk पे खुलेगा। ये इन तीनों वेबसाइट से बहुत पुरानी वेबसाइट है, इनका मार्जिन या कट ज्यादा है एज कम्पेयर टू दूसरों के, और इन्होंने इतना इवॉल्व नहीं किया अपने आप को, तो ये थोड़ा इन लोगों से पीछे रह गए, लेकिन ये इनसे पुराने हैं। इनसे भी पुराना एक है, उसका नाम है guru.com। सही है। वो भी बहुत एक अच्छी वेबसाइट है, लेकिन थोड़ी सी लिमिटेशन है कि वो हर किस्म की सर्विस नहीं प्रोवाइड करते हैं। जैसे बहुत सारे यहाँ पे स्किल को सपोर्ट करते हैं, और भी दूसरे डोमेन्स को सपोर्ट करते हैं, जहाँ पे अपना आप पैसा जो भी काम किया है, जो आपको पैसे मिले हैं, तो वो आप उसके थ्रू अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो ग्रुप में थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं, इस वजह से ये इन तम से पीछे रह गया है, लेकिन ये इन सबसे पुराना भी है। फिर एक और वेबसाइट आती है पीपल पर आर। पीपल पर आर भी एक स्पेसिफिक साइट है, वो भी काम कर रही होती है। तो बेसिकली ये मैंने टॉप 6 कह लें जो आपके डिजाइन से रिलेटेड मार्केट में पोर्टल्स हैं, उनको मैंने लिस्ट डाउन किया। इसके अंदर आप अपना जाके पोर्टफोलियो बना सकते हैं, इनके रूल्स एंड रेगुलेशन को एग्री करते हुए अपना काम शुरू कर सकते हैं। नहीं, सेकेंड नंबर पे जो पार्ट बी कह लें कि दूसरा तरीका ये है पैसा कमाने का, वो ये है कि आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाएं। इसके अंदर आपके अपने रूल्स होंगे, अपने हिसाब से आप अपने पैकेजेस बना सकते हैं, अपनी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, किसी का कुछ आपको फॉलो नहीं करना पड़ेगा। बस ये है कि जैसे कि गूगल के टर्म्स के ऊपर यह है कि वो आपके सर्च इंजन में से वो ब्लैक लिस्ट कर देता है अगर आप कुछ चीज़ गलत कर रहे होते, तो अदरवाइज इसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और शायद जैसी वेबसाइट आप बनाएंगे उसके बाद आप उसकी थोड़ी सी पेड मार्केटिंग कर दें,
या किसी एसईओ दोस्त को या किसी एसईओ वाले बंदे से बात करके उसकी थोड़ी के सर्च इंजन पे वो टॉप लिस्ट पे आ जाता है, आपके पास खुद ब खुद उस वेबसाइट के ऊपर क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएंगे जो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, काम दे सकते हैं आपको। इसके अंदर तीन टाइप की वेबसाइट्स हो सकती हैं आपकी, सही है। इसके अंदर आप एक होता है कि स्टैटिक वेबसाइट बनाते हैं जिसके अंदर आप सिंपल एचटीएमएल पे अपना, अगर आपको एचटीएमएल सीएसएस आती है तो आप डायरेक्टली अपनी वेबसाइट बनाएं, किसी होस्टिंग कंपनी को हायर करें, वहां पे अपना वो वेबसाइट होस्ट कर लें, सही है। दूसरा लेवल जो आजकल बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वर्डप्रेस थीम होती है। वर्डप्रेस के ऊपर अपनी थीम, कोई फ्री थीम निकाली या पेड थीम आपने खरीदी और उसके ऊपर काफी यूजर फ्रेंडली है, उसके अंदर आप थोड़ा सा डायनेमिक हो जाती है वेबसाइट, उसके अंदर आप अपने हिसाब से ईमेल एड्रेस वगैरह सेट कर सकते हैं, कुछ सिस्टम बना सकते हैं डायनेमिक के, वो आके कुछ चूज करे, सिलेक्ट करे, कुछ कमेंट लिखे तो वो आपके पास आ जाता है और आप उसके ऊपर रिप्लाई कर सकते हैं। इस तरह का इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, तो काफी हिट है, चल रहा है, तो ये भी कर सकते हैं। या स्टैटिक पे, या अगर डायनेमिक पे जाना चाहते हैं तो वर्डप्रेस की थीम आप यूज कर लें अपनी पर्सनल वेबसाइट के लिए। तीसरा ये है जो थोड़ा सा प्रो लेवल है, प्रो लेवल इस पॉइंट पे कह सकते हैं, ये थोड़ा बंदा जब एक्सपीरियंस याफ्ता हो जाए, उसके पास ठीक ठाक काम मौजूद हो, ठीक ठाक मौजूद हो गया, तो वो अपनी वेबसाइट को एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकता है डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से। डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से इस वजह से कि भाई उस जो उसने डिजाइन एलिमेंट्स बनाए हैं बहुत सारे किस्म के, तो वो उसके एक पूरी गैलरी बना सकता है, उसके उसमें प्राइसेस वगैरह सेट कर सकता है, और जो भी क्लाइंट है वो आए और उसको जो भी डिजाइन पसंद आए उसने एड टू कार्ट किया और वो डिजाइन खरीद के चला गया। तो ये तीन किस्म की वेबसाइट आप अपनी पर्सनल बना सकते हैं। एक स्टैटिक होती है वो बना सकते हैं, आप थोड़ी डायनेमिक में जाना चाहते हो वर्डप्रेस की वेबसाइट की थीम यूज कर सकते हैं, वो यूज होस्ट करके आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। और तीसरा जो लेवल थोड़ा सा एक्सपर्ट लेवल होता है, जब आपका एक्सपीरियंस आता हो तो आप अपनी एक ई कॉमर्स डिजाइन वेबसाइट भी बना सकते हैं जहाँ पे आप ग्राफिक के एलिमेंट्स को सेल आउट कर रहे होंगे, सही। अब इस वेबसाइट के अंदर तीसरी कैटेगरी आती है, तीसरी कैटेगरी बेसिकली जो मैंने लास्ट ई कॉमर्स की बात की उसी से रिलेटेड ही है, कि आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं किसी ऑनलाइन मार्केट प्लेस के ऊपर। कुछ मार्केट प्लेस हैं, सही है, ये भी एक एक्सपर्ट लेवल चीज है, ये एक आम डिजाइनर नहीं करता, ये जब जिनका जो अपने काम में बहुत माहिर हो चुके होते हैं, जिनका अपना काम बहुत स्ट्रांग हो चुका होता है, वही ये चीज कर सकते हैं, उसके अलावा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत टफ कॉम्पिटिशन होते हैं और इसमें बहुत ज्यादा काम चाहिए होता है। इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल है शटर स्टॉक। शटर स्टॉक के ऊपर आप जाते हैं, डिजाइनर खुद भी जा रहे होते हैं वहां से पिक्चर्स वगैरह पिक करने के लिए, वहां पे भी ग्राफिक एलिमेंट सेल आउट हो रहे होते हैं, वो भी आप सर्च करेंगे, जैसे लोगो लिख के सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे लोगो मिलेंगे, तो वो भी एक किसी बंदे की प्रोफाइल होती है, जिसको आप जाएंगे तो वो एक प्रोफाइल आप अपनी जाके शटर स्टॉक के ऊपर बना सकते हैं। उनका एक इस तरह का रेशियो होता है कि लॉयल्टी बेस होता है, कि भाई आपकी कोई भी प्रोडक्ट अच्छी बिकेगी उसमें 40% आपका होगा, 60% उनका होगा। उसी तरह अगर आपकी जगह बहुत ज्यादा मशहूर है, आपकी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिकती है, महीने में 100 से ज्यादा बिकती है, तो वो रेशियो वो चेंज कर देते हैं, वो खुद कम पे आ जाते हैं, आपको ज्यादा पे आप 50% ले सकते हैं, आप 70% ले सकते हैं, बेस्ड ऑन योर पॉपुलैरिटी और सेलिंग, कि जितना ज्यादा आपके प्रोडक्ट सेल हो रही होगी तो उतनी अपनी लॉयल्टी वो कम कर देंगे, क्योंकि आपका होना उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बनिस्बत आपसे पैसा कमाना, तो वो चीज हो गई है। इसी तरह की एक फ्री पिक है, वो भी डिजाइनर बहुत खोलते हैं, वहां से फ्री का सामान रहता है, वहां पे खुद डिजाइनर ही बना के डिजाइनर को सामान दे रहे होते हैं, तो वहां पे भी इनकी भी टर्म्स होती हैं, वो भी डिजाइनर को हायर करते हैं, बोलते हैं कि भाई 25 से 30 डिजाइन पर मंथ आपने बना के देना है और हम जो डिजाइन बोलेंगे वो बना के देना है, तो जो जिस तरह से उस वेबसाइट पे जो चीज ज्यादा सर्च हो रही होती है, जो ट्रेंडिंग होती है, वो चीज वो लोग डिजाइन करवाते हैं अपने डिजाइनर से जो वहाँ पे प्रोफाइल बना के बैठे होते हैं। उसमें फ्री पिक के अंदर पेड भी है, पेड डिजाइन के अलग रेट होता है, अगर वो आपका प्रोडक्ट आपकी गैलरी से बिकेगा तो वो उस पर कमीशन मिलेगा आपको, सही है, फ्री बिकेगा उस पर भी कमीशन है, एक पर मंथ का हिसाब है, और अगर आपकी कोई अच्छी चीज बिक रही तो आपको ज्यादा भी पैसे मिल रहे होते हैं। इसी तरह के एक क्रिएटिव मार्केट डॉट कॉम है, ये थोड़ा पैकेज बेस्ड हिसाब होता है, यहाँ पे बंडल्स के हिसाब से प्रोडक्ट बिक रही होती है, लोग बंडल्स के हिसाब से चीजें तैयार कर रहे होते हैं, वो भी एक अच्छी वेबसाइट है। ये बेसिकली डिजाइनर्स अपना एक जो एलिमेंट्स जमा करता है काम करने के लिए, तो ये यहाँ से आके परचेज कर रहा होता है, तो वो भी यहाँ पे अगर आप एक मार्केट प्लेस है वहाँ पे भी आप अपना अकाउंट बना सकते हैं और इस तरह के अपने डिजाइन एलिमेंट को सेल कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में मैंने जो डिजाइन का सबसे गुरु कहने या सबसे बाप कहने जिसके पास सब कुछ मौजूद होता है, graphicsweaver.net है, इन्वर्टो वालों की एक छोटा सा पोर्टल है, उनकी तो बहुत सारी चीजें मौजूद है मार्केट प्लेस के अंदर इन्वर्टो के अंदर, तो इसमें एक उनका सेक्शन है graphicsweaver.net के नाम से, तो इसके ऊपर दुनिया जहाँ के जितने किस्म के ग्राफिक्स के काम हो रहे होते हैं वो यहाँ पे सेल भी हो रहे होते हैं,
इनके यहाँ पे आप जाके अकाउंट बना सकते हैं। तो हमने वेबसाइट, ये एक पहला पॉइंट डिस्कस कर लिया वेबसाइट से रिलेटेड पोर्टल के इंट्रोडक्शन के अंदर। हमने इसके अंदर तीन टाइप की वेबसाइट डिस्कस की। पहली वेबसाइट वो वाली डिस्कस की कि भाई जो कि सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सही है, वहाँ पे आप जाएं, अपना अकाउंट बनाएं, वहाँ पे अपनी सर्विस प्रोवाइड करें, वहाँ पे क्लाइंट काम लेकर आता है उन साइट्स के ऊपर, और काम इस तरह के डिजाइनर्स को, डेवलपर्स को दे रहा होता है। तो उसके अंदर जैसे फाइबर हो गया, अपवर्क हो गया, नेक्स्टलाइन डिजाइन हो गया, एग्जाम्पल्स के अंदर। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अपनी पर्सनल वेबसाइट बनाएं, किसी के रूल फॉलो ना करें, किसी के टर्म्स को पैसे ना दें, किसी कुछ ना करें, अपनी वेबसाइट बनाएं, अपने टर्म्स बनाएं, अपने हिसाब से चीज़ों को सेल करें। उसके अंदर तीन टाइप है, स्टैटिक है, डायनेमिक है, तीसरा आपके पास ई कॉमर्स बेस्ड हो जाती है, जिसके अंदर आप बने बनाए एलिमेंट डायरेक्टली सेल करते, बनाते नहीं, आप डायरेक्टली बेचते। तीसरा हमने बताया मार्केट प्लेस की वेबसाइट, जो बड़ी बड़ी मार्केट प्लेस हैं, जहाँ थोक के हिसाब से सामान बिक रहा होता है, तो वहाँ पे भी अपना अकाउंट बना सकते हैं, वहाँ पे अपनी ग्राफिक एलिमेंट्स को सेल आउट कर सकते हैं। तो ये तीन किस्म की वेबसाइट्स पोर्टल्स हैं जहाँ पे आप अपने अकाउंट्स पोर्टफोलियो बना सकते हैं, अपनी खुद की प्रोफाइल बना सकते हैं और अपना काम शुरू कर सकते हैं, सेलिंग आउट कर सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया पहला पॉइंट वेबसाइट पोर्टल्स के बारे में, कि ये किस तरह की, कहाँ कहाँ आप अपने अकाउंट्स और पोर्टफोलियो बना सकते हैं। सेकेंड हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोजेक्ट स्लैश सर्विस और उसके वर्थ। जो अभी तक हमने सर्विस के बारे में, डिजाइन से रिलेटेड बात की, इसकी कैटेगरीज के बारे में बात की कि कितने किस्म की जॉब्स इसमें अवेलेबल हैं, काम सर्विस आप दे सकते हैं, तो उसके हम लोग दो टाइप्स की कैटेगरी बना रहे हैं। एक लॉन्ग टर्म बना रहे हैं, एक शॉर्ट टर्म बना रहे हैं। जो लॉन्ग टर्म है वो हम लोग पैसे के वाइज से नहीं देख रहे, हम वर्थ के हिसाब से देखेंगे कि स्लो एंड स्टडी और लॉन्ग टर्म चलता रहे, सही है। और दूसरी कैटेगरी हम देखेंगे पैसे के हिसाब से, कि भाई पैसे के हिसाब से मार्केट में शॉर्ट टर्म और ज़्यादा पैसा कमाने में किस तरह की चीज़ें चल रही हैं। पहले आ जाते हैं लॉन्ग टर्म वाली सर्विस के अंदर। तो इसके अंदर जो सबसे मैं जो कैटेगराइज कर रहा हूँ उसे वर्थ वाइज, कि मतलब किसकी कितनी वैल्यू है, कितना लॉन्ग लास्टिंग है और कितना ज़्यादा उसमें पैसा है। तो सबसे टॉप पे मैं रखता हूँ प्रोडक्ट डिज़ाइन या प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स। प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स वही लोग होते हैं जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए चीज़ें बना रहे होते हैं। जैसे किसी कंपनी ने आपने आपको हायर किया, तो उसकी एक ऑलरेडी मार्केट में प्रोडक्ट मौजूद है, या वो प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहा है, तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड वो डिजाइनिंग करेगा वहाँ बैठ के। उस प्रोडक्ट की अगर कोई एसेसरीज है तो उसके ऊपर किस तरह का डिज़ाइन होगा, उसके पैकेजिंग है तो वो कैसे करना है, उसका ऑनलाइन पोर्टल है या कोई यूआई रिलेटेड एलिमेंट्स हैं तो वो बनाएगा, वो सारी चीज़ें उस प्रोडक्ट से लेगा। तो इस तरह के डिजाइनर की बड़ी वर्थ होती है मार्केट में। फॉर सपोज अगर एग्जांपल ले लें कि जैसे अगर किसी कोई बंदा एप्पल की कंपनी के अंदर है, सही है, एप्पल की कंपनी का डिजाइनर है, प्रोडक्ट डिजाइनर है, तो वो अपने अपने नाम के साथ एप्पल को जोड़ लेता है, उसके साथ एप्पल का नाम जुड़ जाता है, वो कहते हैं या प्रोडक्ट या सैमसंग की कंपनी के डिजाइन टीम का मेंबर रह चुका है, वहाँ काम कर चुका है, तो वो एक बहुत वैल्यू जनरेट कर जाता है लाइफ टाइम के लिए। उस डिजाइनर के साथ वो कंपनी का नाम अटैच हो जाता है कि उसने उसके लिए काम किया है। सेकेंड नंबर पे आ जाती है ऐप डिजाइन। ऐप डिजाइन इससे मैंने कम रखा है, क्योंकि ऐप डिजाइन बेसिकली सिर्फ एप्लीकेशन से रिलेटेड होता है, मोबाइल एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन, तो ये थोड़ा सा छोटा डोमेन है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट डिजाइनिंग के। तो लेकिन ये भी बहुत पैसे वाले, क्योंकि आजकल तमाम इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री चाह रही है कि उसकी एक एप्लीकेशन हो मोबाइल के ऊपर, ई कॉमर्स की वेबसाइट हो या एक छोटी सी नॉलेज बेस कुछ भी हो, सर्विस प्रोवाइडिंग सर्विस से रिलेटेड कोई हो, जिस तरह से करीम हो गई, ऊबर हो गया, या आपका फूड पांडा हो गया, ये सारे के सारे मोबाइल एप्स हैं जिसके ऊपर पूरी पूरा बिजनेस चल रहा है। ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत ज़्यादा इस पे पैसे लोग खर्च भी कर रहे हैं, इसके ऊपर काम भी हो रहा है, इसका बिजनेस बहुत आ रहा है, लोग डिज़ाइन करा रहे हैं, नई नई एप्स बन रही हैं, उनका काम भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट बन रही है इसके अंदर ना सारी की सारी। तो ये चीज़ है। तीसरे नंबर के ऊपर हमारे ब्रांडिंग आ जाती है। ब्रांडिंग बेसिकली जब आपके पास कंप्यूटर भी नहीं है तब से चली आ रही है, सही है। ब्रांडिंग बेसिकली वो चीज़ होती है जो कंपनी को मशहूरी के लिए या कंपनी को एक एक ब्रांड आइडेंटिटी बनाने के लिए, जैसे मैंने अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, तो उसके अंदर इसके एलिमेंट्स, चंद बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे लोगो हो गया, कार्ड हो गया, ब्रोशर हो गया, फ्लायर हो गया, जो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, पर्टिकुलर कलर थीम, एक कलर, एक रिधम होता है, जिस तरह का एलिमेंट यूज हो रहा है वो उसके तमाम कार्ड्स, ब्रोशर्स, फ्लायर्स के ऊपर भी वो नजर आ रहा है, जो एक झटके में आपको बता रहा है कि ये इस कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। उस तरह के डिजाइन बड़े हिट होते हैं, उसके अंदर बहुत पैसा है। इवन दो अगर मैं बोलूं कि प्रोडक्ट डिजाइनर जितना कमा रहा है या ऐप डिजाइनर कमा रहा है, उससे ज्यादा ही ब्रांड
डिजाइनर्स कमा रहे होते हैं, क्योंकि बेस करती है कंपनी के अपनी वैल्यू पे कि आपका जो क्लाइंट है, कंपनी ओनर है, जो भी है जो आपके पास काम लेकर आ रहा है, वो किस लेवल का है, तो आप उतने बड़े उस चीज का पैसा मांग सकते हो, क्योंकि ये उसकी उसकी समझ लो शान को प्रेजेंट कर रहा है, या उसकी कंपनी की वर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो इतने इतना पैसा खर्च करके बैठते हैं। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि आपने इसको तीसरे नंबर पे क्यों रखा है जबकि इसमें पैसा बहुत ज्यादा है, तो भाई जितने लोग ब्रांड बनाने के लिए रेडी हैं, सही है, उतने लोग ब्रांड बनवा नहीं रहे, सही है, समझे, कंपनी इतनी तेजी से लॉन्च नहीं हो रही, इतनी वैल्यूएबल कंपनियां नहीं हैं जितने वैल्यूएबल लोगो बनाने वाले डिजाइनर मौजूद हैं, तो रेशो डिमांड एंड सप्लाई का इसमें थोड़ा सा हिला हुआ है कि सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड कम है, सही है, जो और मार्केट में लोग बहुत सारे लोग हैं सब ब्रांडिंग करने के लिए रेडी बैठे हैं, फिर भी इसलिए मैंने इसको तीसरे नंबर पे रखा। चौथे नंबर पे हमारे पास आती थी वेबसाइट्स। वेबसाइट्स का भी एक दौर गुजरा, सब लोग वेबसाइट डिजाइन करवा रहे थे, बेसिकली अच्छी अच्छी सोलह वेबसाइट, जिस तरह नेट की स्पीड बढ़ना शुरू हुई, फ्लैश की वेबसाइट आई, फिर और अच्छी वेबसाइट आई, फिर फ्लैट डिजाइन आ गए, फिर मटेरियल डिजाइन आ गए वेबसाइट्स के ऊपर, लेकिन वो वही बात है, ये भी अब पिट चुकी है, बहुत ज्यादा लोग बना चुके हैं, हर बंदा बना रहा है, अब इवन दो के डिजाइनर, कुछ डेवलपर बोलते हैं आपको डिजाइनर हायर करने की जरूरत नहीं, हम खुद ही वेबसाइट बना के आपको दे देते हैं, थीम्स बन के आ गई वर्डप्रेस की जो ऑलरेडी डिजाइन हुई भी होती है, मतलब खाली अपना लोगो लगाएं, कलर चेंज करें और आपकी वेबसाइट तैयार हो गई, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको चौथे नंबर पर रख दिया। अगर आप वेब डिजाइनर हैं तो आपकी वैल्यू है लेकिन इतनी नहीं है एज कम्पेयर टू जो पहले मैंने बताया, प्रोडक्ट डिजाइनर, ऐप डिजाइनर या ब्रांडिंग वाले डिजाइनर्स की होती है जितनी, उतनी नहीं है। फिर पांचवे पे मैंने रखा सोशल मीडिया डिजाइन, सही, सोशल मीडिया डिजाइन मैंने पांचवे भी क्यों रखा है, पांचवे भी इसलिए रखा है क्योंकि इसके अंदर कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, डिजाइनिंग बहुत आराम से हो जाती है, रूल्स फॉलो करने होते हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं है, और तो इसकी वर्थ है, इसकी अपनी एक वर्थ है, लेकिन क्योंकि इस पे इतनी मेहनत नहीं लगती तो उसकी उस हिसाब से डिजाइनर उतने पैसे नहीं चार्ज करते। सोशल मीडिया डिजाइन हो गया, अब हमारे पास उसका पार्ट टू आ जाता है जिसके अंदर हम लोग मनी वाइज और शॉर्ट टर्म वाइज डिस्कस कर लेते हैं, तो आजकल जैसे कि शॉर्ट टर्म पे चीजें चलना शुरू हो गई हैं, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा लोग पैकेज के ऊपर चले गए हैं कि पूरा पूरा पैकेज उठा लेते हैं, कंपनीज बोलती है कि भाई हमें पूरा पूरी ब्रांड का पैकेज दे दें जिसके अंदर सारी चीजें आ जाए, लोगों से लेके ब्रोशर वोशर सब मिला उला के आप एक पैकेज का पैसे बता दें, हम आपको पेमेंट कर देंगे और हमें पैकेज चाहिए, हमें डील्स चाहिए पूरी पूरी, तो वो आजकल कंपनीज इस तरह का भी काम कर रही है कि भाई मेरा टाइम नहीं है, मैं बैठ के लोगों के ऊपर डिस्कस नहीं कर सकता, मैं ये सब चीज नहीं कर सकता, आप मुझे पूरा पूरा बना के दे दें, मुझे पसंद आएगी तो मैं आपको हायर कर लूंगा, तो उसमें क्या होता है जब आप पैकेज पे बात करते हैं तो अब हर चीज का पैकेज के अंदर प्राइस कम हो जाती है, क्योंकि अब बल्क में तो उसमें पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, अब ये इसको अगर अकाउंट करेंगे क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, तो इसमें क्वांटिटी की तरफ लोग जो ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, जो क्लाइंट आपको क्वांटिटी मांग रहे हैं उधर फिर क्वालिटी गिर जाती है, उसमें फिर पैसा भी कम हो जाता है, तो क्वालिटी नहीं देते हैं उस पैसे के अंदर, क्योंकि बोलते हैं कि वो पैसा बढ़ाओ अदरवाइज आप ये ले जाओ, तो कंपनीज खरीद रही होती है क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता, कहते हैं भाई यार दो मुझे, अब हम हमारे कंसंट्रेशन किसी और तरफ है, हम अभी इसको वो नहीं करना चाह रहे हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा जो है वो ब्रांड वाले बहुत पैसा कमाते हैं, ब्रांड का पैकेज होता है जिसमें पूरी पूरी कंपनी की ब्रांडिंग आपको पकड़ा देते हैं कि हर एक चीज आप बनाओगे, सही है, तो वो एक अच्छे पैकेज में आ जाती है, एक अच्छे वैल्यूम के अंदर आ जाती है, लेकिन उसमें ठीक ठाक काम भी होता है। सेकेंड नंबर पे आपके मर्चेंडाइज पैकेज आ जाती है, जिस तरह कोई अगर मशहूर यूट्यूबर है कोई काम कर रहा है तो साइड बिजनेस ने खोला मर्चेंडाइज का अपनी ब्रांडिंग करने के लिए, या उसकी कुछ चीज बड़ी हिट हो गई है तो वो अपने शर्ट्स या मग्स या माउस पैड हो गया या कीबोर्ड हो गया ये साइड प्रोडक्ट सेल आउट करना चाह रहा है, तो वो मर्चेंडाइज पैकेजेस बाय कर सकता है जाके कि भाई मैं ऑलरेडी एक चीज चला रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, लोगों ने डिमांड की है कि वो चाहते हैं कि मेरे प्रोडक्ट खरीदें, वो मुझे किसी तरह सपोर्ट कर सकें, तो ये मर्चेंडाइज का पैकेज मैं आपको पकड़ा रहा हूँ, ये एक साइड बिजनेस बहुत सारे मर्चेंडाइज का करते हैं, टी शर्ट डिजाइन करते हैं, सही है, मोबाइल के कवर्स डिजाइन करते हैं, इस तरह के मर्चेंडाइजिंग एक पूरी इंडस्ट्री है, तो उसका एक पैकेज आता है जो ब्रांड से कम पैसे का होता है, ये भी लोग दे रहे होते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तीसरे नंबर पर आ जाए सोशल मीडिया पैकेज आ जाता है जिसके अंदर आप पूरी पूरी सोशल मीडिया की सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी है, नेस्ले हो गई, सही है, और कोको कोला हो गई, ये सारी कंपनी क्या करते हैं कि भाई ये सोशल मीडिया का पूरा प्लेटफॉर्म ये एक एड एजेंसी को पकड़ा दिया कि भाई आप पूरा मेंटेन करें, आप पूरा कंटेंट लिखेंगे, इसकी डिजाइनिंग करेंगे, सब कुछ आप ही करेंगे, तो ये हमको अगर अच्छा लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है 2 महीने का, 6 महीने का, 4 महीने का, इसके बेस के ऊपर वो लोग काम कर रहे होते हैं,
देते हैं, तो इनकी भी वर्थ होती है, लेकिन एज कम्पेयर टू पहले दो के इनका थोड़ा कम होता है और इनका टर्म्स ड्यूरेशन भी कम होता है। जैसे कि फॉर सपोज ब्रांडिंग वाले हैं, तो ब्रांड वाले हो सकता है कि आपसे बोले कि भाई आपकी सर्विस हमें चाहती है, अभी आपने चीज़ बना दी है लेकिन एक सपोर्ट हमें चाहिए होगी 6 महीना या 7 महीने तक, अगर हमें कुछ चेंज करना हो या फिर 2 साल के बाद कोई और प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, तो फिर आपको दोबारा कॉन्टेक्ट कर लेते हैं कि भाई आपने पहले हमारी ब्रांडिंग की है, अब हमारे दूसरे प्रोडक्ट की भी आप ही ब्रांडिंग करें ताकि कंसिस्टेंसी रहे दोनों के अंदर, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है। सेकेंड लेवल पे आपके मर्चेंडाइज आ जाते हैं, मर्चेंडाइज भी वैल्यूबल है लेकिन उससे कम है। उससे कम पे आप आ जाओ तो सोशल मीडिया के आ जाते हैं। सोशल मीडिया मैंने इसीलिए सबसे एंड में रखा है दोनों टर्म्स की कंडीशन में, कि सोशल मीडिया इजी इजी वर्क है और बहुत सारे लोग ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट ये है हमारा, ये है कि हम लोग पोर्टफोलियो बनाए, डिजाइनर जो भी हैं उसका पोर्टफोलियो होना चाहिए। अब बात ये आ जाती है कि हम जब शुरू में वेबसाइट बना रहे हैं तो क्या वो हमारी पोर्टफोलियो नहीं है? है वो आपका पोर्टफोलियो, वो आपका पोर्टफोलियो है, वो आप एज अ पोर्टफोलियो यूज कर रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, लेकिन अगर सपोज करें कि आप जॉब कर रहे हैं तो आप अपना बिजनेस नहीं दिखा सकते अपने एम्प्लॉयर को। क्यों नहीं दिखा सकते हैं? भाई इसलिए नहीं दिखा सकते हैं कि अगर एम्प्लॉयर को आपका बिजनेस दिख गया कि आपने वहां से पोर्टफोलियो ऐसे कि आप फॉर सपोज 99 डिजाइन पर काम कर रहे हैं, फ्रीलांसर हैं आप, सही है, आप शेयर शटर स्टॉक के ऊपर आपका अकाउंट है, तो वो यही सोचेगा ना कि मैं इसको क्यों हायर करूं, इसका तो ऑलरेडी लगा बंदा बंधा हुआ है, कल को उसका बिजनेस हिट हो जाएगा तो ये मेरी जॉब छोड़ देगा। तो उस पर्पस के लिए आपको एक अलग वेबसाइट चाहिए होती है जहाँ पे अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। जो बेसिकली जो जॉब ओरिएंटेड डिजाइनर्स हैं, ज्यादातर लोग जब हायर कर रहे होते हैं तो वो इन जो मैं भी वेबसाइट बताने जा रहा हूँ उसके ऊपर आपको ज्यादा सर्च करते हैं। तो इसमें सबसे जो पॉइंट है वो ये है कि मेकिंग पोर्टफोलियो टू रीच आउट क्लाइंट्स और कंपनी फॉर वर्क, सही, कि ऐसा पोर्टफोलियो बनाया जिससे आप क्लाइंट को रीच आउट कर सकें या कंपनी आपको रीच आउट कर सके, आपको हायर कर सके अपने पास काम करवाने के लिए, सही। उसमें जो मैंने इस सेक्शन को क्वेश्चंस एंड आंसर्स के अंदर डिवाइड कर दिया कि भाई अगर कोई भी बंदा मुझसे सवाल करता है कि मुझे भाई पहला सवाल है कि मुझे डिज़ाइन क्यों करना है अपना पोर्टफोलियो, डिज़ाइनर पोर्टफोलियो क्यों बनाना चाहिए और कैसा बनाना चाहिए, पहला सवाल का तो मैंने जवाब पहले ही दे दिया कि क्यों बनाना चाहिए, कि भाई इसलिए बनाना चाहिए कि भाई आप अपने वर्थ शो कर सकें, अपना काम बता सकें, और आपका अगर वहाँ नहीं कर रहे हैं, आप सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे और आपको जॉब ही करनी है तो आपका कहीं ना कहीं काम दिखना चाहिए। कोई भी आपको नहीं हायर करेगा जब तक आपका काम नहीं दिखेगा, वो वाली बात है, जो दिखता है वो बिकता है। तो आप पहले अपना काम दिखाओगे, अब आप ये सवाल आ जाता है कि भाई मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे कोई मेरा पास काम नहीं है, तो भाई आप नेट पर खुद सर्च करें, कुछ चीज़ों खुद बनाया, जरूरी नहीं कि आपको कोई काम दे, आपको शुरू में फ्री में काम करना पड़ेगा, अपने लिए काम करना पड़ेगा, जो आपके फेवरेट ब्रांड्स हैं उसको उठाएं और उसके ऊपर काम करें, अच्छा अच्छा पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करें, कुछ काम उसमें इन वेबसाइट्स के ऊपर अपडेट करें ताकि फिर आपको लोगों देख के हायर कर सकें और स्पेसिफिक फील्ड्स के ऊपर काम करें जो आपकी स्ट्रांग फील्ड है उसके ऊपर। पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाया जाए, क्या चीज़ उसके अंदर ख्याल रखी जाए, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप अपनी एक स्टोरी डेवलप करें, सही। उसके अंदर आप स्टोरी ऐसे बना सकते हैं कि टाइमलाइन की तरह, कि भाई 2018 में मैंने ये चीज़ें बनाई इस कंपनी के काम की, ये चीज़ है 19 में ये और 20 में ये किया। अब इसमें आप ये दिखा सकते हैं कि पहली मेरी क्वालिटी हल्की थी, फिर बेहतर हुई और 2020 में इतनी अच्छी हो गई है, सही है, अब मैं इतने लेवल पे आ चुका हूँ, मेरी ये ग्रोथ है, इस तरह से लेके चल रहा हूँ, सही है। या आप ये दिखा सकते हैं कि भाई आपने एक पोर्टफोलियो ऐसा बनाया है कि आपने ब्रांड्स को फॉलो करते हुए चले, कि भाई सबसे पहले कंपनी का लोगो होता है तो लोगों को पहले आपने हाईलाइट कर दिया, फिर कंपनी की दूसरे प्रोडक्ट्स आ गई वो हाईलाइट कर दी, फिर आपने दिखा के वेबसाइट्स भी बनाई, फिर आप ले गए सोशल मीडिया भी कवर अप करते हैं, फिर आप ले गए कि भाई मैं मर्चेंडाइज को भी कवर अप करता हूँ। तो ये एक पूरा एक साइकिल चल रहा है कि भाई छोटी चीज़ से लेके एंड तक का प्रोडक्ट ये डिजाइनर दे रहा है, यानी कि एक लोगो से स्टार्ट ले रहा है तो रैपर तक बना के दे रहा है। ये एक स्टोरी आपकी नज़र आ रही है, मतलब आपका पूरा एक दिख रहा है कि आप कहाँ थे और कहाँ चले गए। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर ये आ जाता है, आपको कंसिस्टेंट रखें, जितना आप अपने काम को कंसिस्टेंट रखेंगे उतनी आपकी एक थीम बनेगी कि ये यार फहद का काम है, ये अली का काम है, ये अहमद का काम है, ये काम बता रहा है कि ये अहमद का काम है, डालने तो उसकी जो थंबनेल डिजाइन कर रहे हैं उसका एक स्टाइल है, आपका एक अपना लोगो है, आपका अपना एक मार्क है, वो हर डिजाइन में नजर आ रहा है, सही है।
या एक खास किस्म की चीज़ पैटर्न फॉलो हो रही है जो तमाम डिज़ाइनों में नज़र आ रही है। एक अच्छे डिज़ाइनर भी अपनी ब्रांडिंग करता है इसी तरीके से कि वो एक कंसिस्टेंट डिज़ाइनिंग को फॉलो करता है अपने हिसाब से। ये नेगेटिव स्पेस के ऊपर खेलता हूँ ज़्यादा तो मैं उस चीज़ को हाईलाइट कर, मैं कॉन्ट्रास्ट कलर्स के ऊपर ज़्यादा खेलता हूँ तो मैंने उसको जगह जगह अपने डिज़ाइन के अंदर फॉलो किया हुआ है, तो वो एक बनती है चीज़। तीसरी चीज़ आ जाती है कि अपने स्ट्रेंथ को शो करें, जो भी चीज़ बना रहे हैं जैसी भी चीज़ बना रहे हैं तो वो अपने पोर्टफोलियो में वो डालें जो आप जिसमें स्ट्रॉन्ग है, वो चीज़ें नहीं डालें जो एवरेज लेवल की है, वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं डालें जो ऑब्सोल्यूट हो गई है। वो अगर डालना भी है, डालना भी है तो वो स्टोरी के तौर पे हमने डाल दिया कि पहले ऐसा था लेकिन अब मैं ऐसा हो गया हूँ। सही, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मैं आज भी यही बना रहा हूँ तो कोई नहीं बोलेगा यार ये या पुराना डिज़ाइनर, ये पुराने दौर का डिज़ाइनर, इसने आज तक कुछ भी नहीं किया, ये यही पैटर्न है, इससे आगे अपडेट नहीं हुआ, ये इवॉल्व नहीं हो रहा, ये यहाँ आके रुक गया। तो हमेशा अपनी स्ट्रेंथ शो करें। ये हो गया कि क्यों डिज़ाइन बनाना, कैसे बनाना है अपना पोर्टफोलियो। दूसरा सवाल आ जाता है कहाँ पे बनाएं, किसके किस जगह पे बनाएं। तो भाई बहुत सारी वेबसाइट हैं, ओरिएंटेड डिज़ाइनर ओरिएंटेड वेबसाइट है जो डिज़ाइनर्स के लिए स्पेशली पोर्टफोलियो बनाने के लिए बनाई गई हैं, जिसमें सबसे नंबर वन वेबसाइट है बिहांस। बिहांस का URL BE.net भी है। बिहांस है, ड्रिबल है, आपका एडोब का पोर्टफोलियो वाली वेबसाइट है, एडोब पोर्टफोलियो कहलाती है। सही है, कोरो फ्लोट है, प्रिंटरेस्ट है। सही है, इन सब वेबसाइट के ऊपर आप अपने पोर्टफोलियो अपलोड कर सकते हैं। ये बनी इसीलिए है कि यहाँ पे लोग डिज़ाइनर्स को आके चूज करते हैं, हायर करते हैं। सही है, उनका पोर्टफोलियो देते हैं, इनका पर्पस ही वेबसाइट का ये है कि ये डिज़ाइन को प्रमोट कर रहे होते हैं। सही है, यहाँ पर आप डिज़ाइन का पोर्टफोलियो अपना अपलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि आप किस किस्म के डिज़ाइनर हैं, आप क्या क्या काम कर सकते हैं, आप क्या क्या कहाँ कहाँ कर चुके हैं, ये आपके पूरे पोर्टफोलियो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तीसरा सवाल ये आता है कि कब बनाएं, आप अपना पोर्टफोलियो कब डिज़ाइन करें, कब आप चाहते हैं कि डिज़ाइन बनाना चाहिए, कि जब आपको लगे कि आप एक्सपर्ट हो चुके हैं किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के अंदर, आप मार्केट को टक्कर दे रहे हैं, आप इस फील्ड लोगों के अंदर आप माने जा रहे हो, आपको लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं कि आप एक अच्छे डिज़ाइनर हो इस फील्ड के अंदर, तब आप बनाना शुरू करो। सही है, उससे पहले नहीं डालो, उससे पहले या तो एवरेज वर्क है या एक्सपेरिमेंटल वर्क है पोर्टफोलियो में नहीं डालो, क्योंकि एवरेज और एक्सपेरिमेंटल वर्क के ऊपर कोई भी आपको हायर नहीं करेगा। सही, ये बहुत बड़ा इशू आ जाता है, लोग समझते हैं कि ये डिज़ाइनर प्रोफेशनल नहीं है, ये ऐसी है। हाँ, आपको बहुत अच्छा लगता है कि आपने अपने आप को देखने के लिए कि यार ये पहले मैंने स्केच बनाया था, ये मेरे लिए बहुत पहली वर्क वर्क था, इसमें मैंने इतना टाइम लगाया था, ये वो, लेकिन वो आप अलग रखें। प्रोफेशनली आप सिर्फ वो चीज़ शो करें जो आपकी बेहतरीन है, आप जिसमें स्ट्रॉन्ग है, जब आप समझ सकते हैं कि आप मैं चीज़ अच्छी शो करने वाली हो गई है, मार्केट में दिखाने वाली हो गई है, दूसरे डिज़ाइनर के टक्कर पे आ गई हूँ प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स के, तभी आप पोर्टफोलियो बनाएं और तभी उसकी मार्केटिंग करें, उससे पहले पोर्टफोलियो ना बनाएं। जब आप सीख रहे हैं या अभी आप समझते हैं कि नहीं यार मैं अभी एवरेज हूँ, मुझे इतना वैल्यू नहीं मिलेगी, तो मत बनाएं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन। जो भी एम्प्लॉयर है या क्लाइंट है, आपने जब काम पहली दफ़ा अगर देख लिया, उसने एक दफ़ा देख लिया कि बात का तो यही लेवल है, तो उसके दिमाग में वो चीज़ फिक्स हो गई है। अब वो आप उससे अच्छे काम कर भी जाओगे ना, तब भी वो कहेगा नहीं यार छोड़ो, ये लड़का वैसा नहीं था, क्योंकि तो एक दफ़ा एक पिक्चर दिमाग में बन गई है, अब वो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन से लास्ट इंप्रेशन वाली थ्योरी यहाँ पर रखें, क्वालिटी वर्सेस क्वान्टिटी भी रखें। आपके पास बहुत सारा काम है तो उसमें से छाटें, सिर्फ वो काम रखें जो कि क्वालिटी वाला है, वो अपलोड करें, वो काम रखें जिसमें आप स्ट्रांग है, ताकि बेशक हो सकता है कि आप सिर्फ लोगों में स्ट्रांग हो सकता है आप सिर्फ वेबसाइट बनाने में स्ट्रांग हो, तो उसको ज़्यादा हाईलाइट करें। सही है, सही है। एंड में मैं आपको कुछ वेबसाइट्स देता जा रहा हूँ जो आप वहाँ जाके विजिट्स करें, देखें, मशहूर डिज़ाइनर्स हैं 2020 की प्रोफाइल्स हैं ये, बड़ी बड़ी पोर्टफोलियो की, इनको देखें, इनको जाके स्टडी करें, इन लोगों ने क्या कंसिस्टेंसी रखी है, इनके स्टाइल्स किस तरह के चल रहे हैं मार्केट के अंदर, और किस तरह ये लोग वेबसाइट बनाए हुए हैं, ये पर्सनल वेबसाइट्स हैं लोगों की, अपनी पोर्टफोलियोज हैं, तो स्टडी करें, हो सकता है इसमें से कुछ एलिमेंट्स आपको समझ आए, आप अपनी वेबसाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं, और साथ साथ आपको एक डिज़ाइन ट्रेंड भी पता चल जाएगा कि आजकल किस तरह के वेबसाइट्स बन रही हैं डिज़ाइनर्स की,
डिजाइनर किस तरह की वेबसाइट बनाते हैं, किस तरह अट्रैक्ट करते हैं, क्या चीज लिखते हैं अपनी वेबसाइट्स के ऊपर, किस तरीके से हायरिंग करवाते हैं कि भाई अभी मुझे हायर कर लें, मुझसे काम करवा लें। तो विजिट करें, देखें, आपको समझ आएगी, तो अच्छी बात है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने ये जाना कि हम पैसे कहाँ कैसे कमा सकते हैं। सही, पहले हमने वेबसाइट डिस्कस कर ली, फिर हमने सर्विसेज की वर्थ वाइज डिस्कशन कर ली, और लास्ट में हमने पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कस कर लिया कि पोर्टफोलियो कहाँ बनाए जा सकते हैं और किस तरह के पोर्टफोलियो बनाने चाहिए, ये सब जो। और एनवेस के कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको दे दिए। होप सो आपको आज की क्लास पसंद आई हो, आपको चीज़ें क्लियर हुई हो, समझ आया हो। सही है, और दैट्स इट, ये हमारा आखिरी क्लास थी बेसिक टू प्रोफेशन की, डिज़ाइन की। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, नई चीज़ों के साथ आपसे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। थैंक यू।